हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ स्वामीनारायण टेंपल। ये पुणे में बहुत फेमस टेंपल है और पर्सनली मुझे ये टेंपल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी टेंपल है पुणे में इस देखने के लिए बहुत सुंदर है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। स्वामीनारायण टेम्पल पुणे में काथरेज के बहुत नज़दीक है और ये टेम्पल 7:30 AM से 9 PM तक चालू रहता है। स्वामीनारायण टेम्पल पुणे में बहुत फेमस है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चरल व्यू है बहुत ही सुंदर है। ये टेम्पल बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बीच बीच में छोटे छोटे गार्डन्स भी बने हुए हैं। मैं यहाँ पे पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 3rd time है, और जितना भी देखो ये टेम्पल देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। टेम्पल में इवनिंग के टाइम लाइटिंग इफेक्ट भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो को आगे तक देखो, मैं आपको लाइटिंग इफेक्ट भी दिखाता हूँ। ये भगवान का पादुका है और पानी भी फिल किया गया है इसमें। ये टेंपल 2 फ्लोर का बनाया हुआ है। मैं अभी जा रहा हूँ भगवान के दर्शन के लिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो टाइमिंग है मेंशन करूँगा, तो इसका अलग अलग टाइमिंग पे दर्शन होते हैं भगवान के, तो आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं अंदर का शूटिंग कुछ कर नहीं पाया हूँ, तो बाहर से अभी ये लाइट वगैरह पूरा चालू हो चुका है और लाइट यहाँ पे हर 5 या 10 सेकंड में चेंज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। इस जगह को BAPS स्वामीनारायण टेंपल बोला जाता है, क्योंकि BAPS जो है एक चैरिटी फाउंडेशन है, और ये चैरिटी गरीब लोगों को और जिन लोगों को एडिक्शन हो जाता है उनको बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे भक्त लोगों के लिए क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है और उनके लिए कैंटीन वगैरह का अरेंजमेंट भी अच्छा है। BAPS एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी चलाता है और इसके अलावा ये नॉन रिलीजियस सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो,
और जगह के बारे में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ।